हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रोज में। और दोस्तों, मैं हूं भानु चौधरी और हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी में इतनी बड़ी वैकेंसी के बारे में। और इंडियन नेवी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और दोस्तों, हम देखते हैं कितनी इसमें वैकेंसी आई है, इसमें डेट ऑफ बर्थ क्या पूछी गई है, फीस कितनी रहेगी इसकी, ऑनलाइन डेट कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और सबसे मेन इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम डेट कब है। और दोस्तों, ये वैकेंसी जो आई है AA SSR में दोनों में आई हुई है। तो दोस्तों, इसमें देखेंगे आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, कितनी परसेंटेज पे कॉल लेटर आपका आएगा, सारी जानकारी देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में। और इस वीडियो को आपसे निवेदन है कि अंत तक देखिए ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूँ इस वीडियो में। चलो दोस्तों, बात करते हैं। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता चल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलो दोस्तों, मैं अब बात करते हैं नोटिफिकेशन पे चलते हैं। दोस्तों, इसमें हम देखते हैं, अगर नोटिफिकेशन में हम देखें यहाँ पे, तो जो आपके ये कोर्स आया है ये अगस्त 2019 बैच के लिए आया है। जो आपका आने वाला कोर्स है अगस्त 2019 बैच के लिए, अगर इसमें दोस्तों हम बात करें वैकेंसी के बारे में, तो इसमें जो वैकेंसी पूछी गई है आपकी, अगर इसमें वैकेंसी की बात करें, वैकेंसी हैं 2500 वैकेंसी हैं। ये वैकेंसी हैं फॉर इनरोल्ड एज सेलर फॉर 2500 वैकेंसी अप्रोक्सीमेटली हैं। ये आगे पीछे कुछ भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। फॉर सीनियर सेकेंडरी SSR अगस्त 2019 के लिए ये वैकेंसी हैं। अगर इसमें हम क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन इसमें आपकी मांगी गई है मैथ एंड फिजिक्स, एटलीस्ट ऑन ऑफ इनमें से मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में से केमिस्ट्री, बायो हो या कंप्यूटर साइंस आपके पास होना चाहिए। और ये स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोर्ड से होना चाहिए। एज की बात करें, एज जो है इसमें जो मेन पॉइंट है इसमें एज का, देखते हैं किन बच्चे पूछते हैं ज़्यादातर एज क्या रही है इसमें, DOB क्या रही है। तो जिन कैंडिडेट का जन्म 1 अगस्त 1998 और 31 जुलाई 2002 के बीच में है, वो कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें पे एंड अलाउंस क्या रहेगा, इसमें देखें ड्यूरिंग द इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड, ट्रेनिंग के दौरान आपका जो आपको सैलरी मिलेगी वो 14,600 रुपये पर मंथ मिलेगी। एंड लेवल 3 पे डिफेंस पे मार्क रहेगा 21,700 से 69,100 के बीच में। प्रमोशन की बात करते हैं, इसमें प्रमोशन आपका मास्टर सेफ प्रेटी ऑफिसर रह सकता है लेवल 8 तक, जिसकी जो सैलरी है वो 47,600 के बीच से 1,51,000 के बीच में रहेगी। दोस्तों, आगे बात करते हैं, इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, क्या है देखते हैं। इसमें सिलेक्शन है, इसमें आपका सबसे पहले रहेगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा। दोस्तों, SSR का भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो चुका है, इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा, यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा आपका, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ये ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। और उसके बाद रहेगा दोस्तों, इसमें PFT रहेगा और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। दोस्तों, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा जिसमें कि टोटल नंबर क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आएंगे, ईच कैरी 1 मार्क का रहेगा। क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। द क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइज 4 सेक्शन रहेंगे, इसमें इंग्लिश रहेगी, साइंस रहेगी, मैथमेटिक्स रहेगी एंड जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन रहेंगे। ये 10+2 के बेस पे सिलेबस पे रहेगा। इसका जो टाइमिंग होगा 1 घंटा रहेगा। दैट कैंडिडेट रिक्वायर टू पास ऑल सेक्शन, आपको सभी सेक्शन में पास होना पड़ेगा, यानी एग्रीगेट मिनिमम मार्क्स जो रहेंगे उसके पास होना पड़ेगा। द नेवी रिजर्व द राइट डिटरमाइन पास मार्क इस सेक्शन इन एंड इन एग्रीड, नेवी जो है उसमें पासिंग मार्क हर सब्जेक्ट वाइज रखेगी। पेरेंटी फोर रॉन्ग आंसर, दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। आप इसमें देख सकते हैं, कैंडिडेट शुड नॉट डेट देयर विल बी पेरेंटी फोर रॉन्ग आंसर मार्क्ड बाय कैंडिडेट इन क्वेश्चन पेपर, दे आर फोर अल्टरनेटिव फॉर द आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन। रॉन्ग आंसर पे आपको दोस्तों 0.25 की पेनल्टी लगेगी, अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, वो क्वेश्चन तो आपका गलत है ही, और जो सही किया उसमें से 0.25 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। दोस्तों, PFT की बात करें, PFT में क्या रहेगा, इसमें 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहेगी, जो रहेगी 7 मिनट में, 20 स्क्वाड अप्स रहेंगी, उठक बैठक एंड 10 पुशअप रहेंगी। और दोस्तों, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड में जो आपका नॉर्मल मेडिकल होता है वो इसमें रहेगा। इसमें जो मिनिमम हाइट है वो 57 है, मिनिमम चेस्ट 5 सेंटीमीटर, बस ये रहेगा दोस्तों इसमें। और आगे बात कर लेते हैं, अगर टेंट इसमें अलाउ नहीं है,
परमानेंट बॉडी टैटूज आर ओनली परमिटेड फॉर इनर फेस फोरआर्म्स के लिए अलाउ रहेगा। आपकी जो ट्रेनिंग है वो अगस्त 2019 को स्टार्ट हो जाएगी। 22 वीक्स की आपकी बेसिक ट्रेनिंग रहेगी INS चिल्का में। अगर दोस्तों इसमें बात करें जो आपका ऑनलाइन फॉर्म रहेगा, इसमें क्या रहता है, ऑनलाइन फॉर्म में ₹205 आपको फ़ी सबमिट करनी पड़ेगी। एडमिट कार्ड विल बी इश्यूड अप फॉर द एग्जामिनेशन ओनली दोज कैंडिडेट हु सक्सेसफुली पेड द एग्जामिनेशन फीस एंड हु आर इनिशिएटेड टू वेवियर ऑफ एग्जामिनेशन फीस। एडमिट कार्ड केवल उन्हीं कैंडिडेट का आएगा जो ₹205 इसकी फीस सबमिट सक्सेसफुली कर सकेंगे। इसमें किसी के लिए तो कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, वैकेंसी के लिए किसी के लिए फ़ीस की भी कोई रिजर्वेशन नहीं है, सभी के लिए इक्वल रहेगा फीस, चाहे वो SC का हो चाहे ST का। और बात करते हैं दोस्तों आगे और क्या है इसमें। एग्जाम सेंटर कुड नॉट बी चेंज, अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं रहेगा, आपके जो कॉल लेटर हैं वो फरवरी के लास्ट में आपको डाउनलोड करने हैं वेबसाइट से, टेंडेबली January 29 तक आ सकते हैं। ओनली इलेक्ट्रॉनिक मोड एग्जाम रहेगा इसमें। ओनली इलेक्ट्रॉनिक मोड कम्युनिकेशन विल बी वाइड कनेक्टिंग कैंडिडेट ऑल स्टेप रिक्रूटमेंट। दोस्तों जो आपके एग्जाम एडमिट कार्ड हैं वो जनवरी के लास्ट में आ जाएंगे। और देखते हैं दोस्तों इसमें, तो जो आपका एडमिट कार्ड है वो जनवरी के लास्ट में आ जाएंगे और फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा। दोस्तों इसमें जो मेन है इसमें देखते हैं आपको हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। फॉर दिस एंट्री द कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली, केवल आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट जॉन इंडियन नेवी वेबसाइट पे जाके आप अपना joinindiannavy.gov.in पे जाके आपका इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन डेट है वो 14 दिसंबर 2023 30 दिसंबर 2018 के बीच में रहेगी। इसके बीच में आप अपना ऑनलाइन और जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है उसे सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था नेवी का जो नोटिफिकेशन आया है और लास्ट ऑनलाइन डेट रहेगी इसकी 30 दिसंबर चुका है। और जिन बच्चों ने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की वो तैयारी शुरू करते रहिए, क्योंकि अब नोटिफिकेशन सब चीज़ आ चुका है। एयरफोर्स का भी आ गया है, SSR का भी आ चुका है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।